सो है गाइज, वेलकम बैक टू टुडे एडिटिंग जोन। सो गाइज, आज के इस वाले वीडियो में हम लाइटरूम ऐप से फोटो एडिटिंग करने वाले हैं। जो सभी गाइज आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, लाइटरूम ऑप्शन से गाइज कुछ इस टाइप से फोटो एडिटिंग करने वाला हूँ। बिफोर एंड आफ्टर देख सकते हो गाइज किस तरह से मैंने फेस को गोरा करके बैकग्राउंड का कलर ग्रेडिंग किया है। कुछ इसी टाइप से आपको बताऊंगा कलर ग्रेडिंग कैसे करना है, अपने फोटो में लाइटिंग कैसे बढ़ाना है और ये सब बोके इफेक्ट कैसे लगाना है, तो सब कुछ बताऊंगा फुल डिटेल में। तो वीडियो फटाक से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो गाइज, जैसा कि हम आ गए मोबाइल को होम स्क्रीन पे, तो इस वीडियो को फुल स्क्रीन करके देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम इस फोटो को शेयर कर लेते हैं लाइटरूम एप्लीकेशन में, वहीं पे हम एडिटिंग करने वाले हैं। तो सिंपली आपको लाइटरूम एप्लीकेशन में शेयर करने के बाद आपको बैक जाना है और लाइटरूम एप्लीकेशन को ओपन करना होगा। ओपन करने के बाद यहाँ से ऑल फोटो पे क्लिक करना होगा। ऑल फोटो पे क्लिक करने के बाद देख सकते हो जो फोटो मैंने शेयर किया था उस फोटो को यहाँ पे ऐड हो चुका है वो फोटो। तो सिंपली हम उस फोटो को ओपन करेंगे और इस फोटो में गाइस हमें लाइटिंग बढ़ाना है और कलर ग्रेडिंग करना है और फेस को भी गोरा करना है। तो सिंपली आपको बारीकी से देखना है मैं कैसे कैसे कर रहा हूँ। सबसे पहले आपको इस वाले टूल पर क्लिक करना होगा। लाइट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके गाइस यहाँ से आपको शैडोज को बढ़ाना होगा। शैडोज को बढ़ाने के बाद आपको नीचे में आना होगा, व्हाइट का ऑप्शन दिख जाएगा, व्हाइट्स को कम करके गाइस ब्लैक्स को बढ़ा दीजिएगा। एंड थोड़ा सा यहाँ से हम इसको भी बढ़ा देते हैं कंट्रास्ट को। एंड इतना करने के बाद कलर ऑप्शन पे जाकर के टेम को हल्का सा बढ़ा दीजिएगा और यहाँ से सैचुरेशन को भी हल्का सा बढ़ा देते हैं। इतना करने के बाद मिक्स वाला ऑप्शन पे जाना होगा, आपको ऊपर में क्लिक करना होगा। मिक्स पे क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुल जाएगा। तो ओपन होने के बाद गाइस देखो तुम्हारा फेस में कितना ज़्यादा येलो टोन है। तो सिंपली हम येलो कलर पे जाएंगे पहले और येलो कलर का सैचुरेशन बढ़ाते हैं। तो देख सकते हो गाइस किस तरह से हमारा येलो का कलर ग्रेडिंग हो रहा है, लेकिन फेस में हमारा येलो कलर आ जा रहा है। और ह्यू को माइनस प्लस कीजिएगा तो देख सकते हो गाइस किस तरह से कलर चेंज हो रहा है बैकग्राउंड का, और टी शर्ट का भी कलर चेंज हो रहा है। तो हम सिंपली ह्यू को इतना ही रखेंगे और सैचुरेशन को भी इतना ही रहने देंगे। तो चलिए थोड़ा सा सैचुरेशन को हम बढ़ा देते हैं और थोड़ा सा इतना बढ़ा देते हैं, और इतना करने के बाद ग्रीन कलर का सैचुरेशन बढ़ा देंगे और ह्यू को फुल कर देंगे। ह्यू को भी फुल कर दीजिएगा एंड सैचुरेशन को भी फुल कर दीजिएगा। एंड इतना करने के बाद ऑरेंज कलर पे आइएगा, सेकंड नंबर वाले कलर का सैचुरेशन माइनस करिएगा और लेमनेस को बढ़ाइएगा। तो देख सकते हो हमारा फेस में कितना अच्छा गोरा हो रहा है, हमारा फेस बहुत ही अच्छे से गोरा हो रहा है। तो यहाँ से येलो कलर का भी लेमनेस बढ़ा देना होगा आपको, बहुत ही अच्छे से फेस गोरा हो जाएगा। एंड यहाँ से रेड कलर का भी लेमनेस बढ़ा देना होगा और सैचुरेशन को बढ़ा दीजिएगा, तो इससे हमारा लिप्स रेड हो जाएगा। तो देख सकते हो इतना कर दिए हम, और यहाँ पर हम येलो कलर का ह्यू को गाइस माइनस प्लस करके देख ले रहे हैं कौन सा कलर हमको चाहिए। तो आप अपने अकॉर्डिंग कलर ग्रेडिंग रख लीजिएगा। तो हम जितना आप हम चाहते हैं उतना रखते हैं। तो देख सकते हो किस तरह से हमारा कलर चेंज हो रहा है। तो इसी तरह से आपको भी कलर चेंज कर लेना होगा अपने फोटो का बैकग्राउंड में, जो भी कलर आया होगा सो, या तो लाइट का कलर होगा या बैकग्राउंड का कलर होगा। सो इतना करने के बाद गाइस सिंपली आपको ऑरेंज कलर का लेमनेस को फुल कर देना होगा। फुल करने के बाद गाइस देख सकते हो हमारा फेस कितना अच्छे से गोरा हो चुका है एंड बैकग्राउंड में कलर ग्रेडिंग हो चुका है। एंड यहाँ से गाइस ब्लू कलर का सैचुरेशन बढ़ा करके ह्यू को माइनस कर देंगे। इतना करने के बाद गाइस क्या करना होगा आपको, यहाँ से डन कर देना होगा। तो थोड़ा सा हम यहाँ से क्लिक करते हैं और यहाँ से डन वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। सो यहाँ से इतना करने के बाद क्लैरिटी वाला ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ से क्लैरिटी बढ़ा देंगे, सॉरी गाइस इफेक्ट पर जाकर के क्लैरिटी बढ़ा देंगे। इतना करने के बाद गाइस यहाँ से डिटेल वाला ऑप्शन पे जाएंगे फेस को स्मूथ करने के लिए। थोड़ा बहुत स्मूथ होता है गाइस यहाँ पे, तो नॉइज रेडिएशन को बढ़ाइएगा फेस, एंड यहाँ से गाइस कलर नॉइज को बढ़ाइएगा एंड यहाँ से स्मूथनेस को फुल कर दीजिएगा। सो गाइस यहाँ से ऑप्टिक पे जाते हैं, उन दोनों को अलाउ कर देते हैं। सो अभी दिखाते हैं गाइस कैसे बिफोर एंड आफ्टर देख सकते हो गाइस किस तरह से मैंने कलर ग्रेडिंग किया है, बैकग्राउंड का लाइट बढ़ाया है और फेस को गोरा किया है। तो इतना एडिटिंग इसमें कंप्लीट हो चुका है, और बैकग्राउंड में बोके इफेक्ट लगाना है और भी बहुत सारा पीएनजी लगाना है। तो इस फोटो को शेयर करना होगा पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में, तो वहाँ पे हम पीएनजी ऐड करेंगे। तो कोई भी पीएनजी आपको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, मैं बताता हूँ कैसे आपको करना है। तो सिंपली हम पिक्सआर्ट में आ गए हैं। पिक्सआर्ट में आने के बाद यहाँ से स्टिकर ऑप्शन पर जाना होगा। स्टिकर ऑप्शन पर जाने के बाद यहाँ से सर्च बार पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर सर्च कर देना होगा बोके। बोके सर्च कीजिएगा तो बहुत सारा बोके इफेक्ट आ जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पे आपको बहुत सारा देखने को मिलेंगे। तो यहाँ से आपको कोई भी एक डाउनलोड कर लेना होगा। तो हम ये वाला डाउनलोड करते हैं और इसको ब्लेंडर मोड पे जा करके स्किन करते हैं। स्किन करने के बाद ऊपर में हम इस तरह से सेट कर देंगे। तो देख सकते हो हमारा फेस पे आ गया है, तो फेस पे आ गया है। तो इरेजर वाला ब्रश पे जा करके ब्रश सेलेक्ट करेंगे इरेजर वाला, और इस तरह से फेस का हम फेस पे जो आया होगा वो हम हटा देंगे, इस तरह से इरेज कर देंगे। एंड यहाँ से इतना करने के बाद यहाँ से कर देंगे डन। सो कर लेते हैं डन, तो इस पर कीजिएगा डन हो जाएगा। फिर से आपको स्टिकर ऑप्शन पे जाना होगा और फिर से यहाँ से बटरफ्लाई आपको पीएनजी डाउनलोड करना होगा। तो बटरफ्लाई पीएनजी लिख दीजिएगा या बटर क्यूट लिख दीजिएगा, बहुत सारा फ्लाई पीएनजी आ जाएगा, पीएनजी सॉरी गाइज। तो यहाँ से आपको कोई भी डाउनलोड कर लेना होगा जो भी आप लगाना चाहते होंगे अपने बैकग्राउंड में। तो हम यहाँ पर ये वाला लगाते हैं, लगाना चाहते हैं तो ये इस पर क्लिक करेंगे। और इसको डुप्लीकेट करने के लिए सिंपली आपको ऊपर में एक लेयर का ऑप्शन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके डुप्लीकेट वाला ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा तो इसका डुप्लीकेट हो जाएगा। होने के बाद इसको इस तरह से सेट कर दीजिएगा दोनों तरफ। एंड यहाँ से फिर से आपको जाना होगा स्टिकर पर, एंड फिर से आपको सर्च करना होगा लाइट सर्च कीजिएगा या लाइट पीएनजी सर्च कीजिएगा। तो यहाँ पे आपको बहुत सारा लाइट पीएनजी देखने को मिल जाएगा। सिंपली हम ये और डाउनलोड करते हैं और इसको अच्छे से सेट कर देते हैं, और यहाँ से एक और डाउनलोड करते हैं और इसको ऊपर में सेट करके यहाँ से कर देते हैं डन। सो फाइनली गाइस देख सकते हो हमारा एडिटिंग हो चुका है यहाँ पे कंप्लीट। तो थोड़ा सा हम टूल ऑप्शन पे जा करके गाइस इसकी क्लैरिटी बढ़ाएंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा।
तो सीवी के जैसा लगने लगेगा गाइस। तो यहाँ से हम गाइस टूल ऑप्शन पे जाते हैं और यहाँ से एडजस्ट पे जाते हैं। एडजस्ट पे क्लिक कीजिएगा इस वाले एडजस्ट टूल ऑप्शन पे एंड यहाँ से गाइस क्लैरिटी वाले ऑप्शन पे आइएगा और इसका क्लैरिटी बढ़ा दीजिएगा। तो देखो तो गाइस बहुत ही अच्छे से गहरे कलर में हमारा कलर ग्राइंडिंग हो चुका है और फेस कोरा हो चुका है और सीवी के जैसा लग रहा है गाइस। सीवी एडिटिंग अभी मैंने किया नहीं है, फिर भी सीवी एडिटिंग के जैसा लग रहा है। तो इसी टाइप से आपको भी एडिटिंग करना होगा, तो मेरे बताया गया स्टेप को फॉलो कीजिएगा और इस टाइप से एडिटिंग हो जाएगा पक्का आपका। तो फाइनली गाइस हमारा एडिटिंग हो चुका है, बिफोर एंड आफ्टर देख सकते हो किस तरह से मैंने फोटो को एडिटिंग किया है और इसी तरह से आपको भी करना होगा। इस वाला एरो पे क्लिक कीजिएगा तो आपका फोटो सेव हो जाएगा गैलरी में। सो आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में।